सारी काट एक ही में नहीं हां ना कटे बच्चे ने ले लिया रात ये मम्मा ने ले लिए किराएदार ने लिए ये करुणा ने और सौरभ ने लिए ये मम्मी ने लिए ये तो फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 10:30 और एक गौरव हमारा बोरिया बिस्तरा बांध के हमें छोड़ के आ रहा है बस फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स पराठा उसके लिए लिया है मैंने आलू गाजर शिमला मिर्च और प्याज तो अभी मैं खाली इसको ऐसे ही मिक्स नहीं करूँगी मसाला ऐसे नहीं मिलाऊँगी मैंने रख दिया है फ्राई पैन और इसमें ही जाकर मैं बनाऊँगी क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने मतलब एक हफ्ता पहले मैंने बनाया था और तब मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी थी ये रेसिपी क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई कैसे बनेगी क्योंकि उस टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए और आप भी घर पे बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे और खाना का हमने अलग से निकाल दिया है क्योंकि खाना के में हम डाल रहे हो प्याज नहीं डालेंगे तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या क्या करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी और उसमें प्याज और हल्की सी मैं हींग भी डाल दूंगी तो अब शिमला मिर्च गाजर ये सारी चीज़ डाल दूंगी और इसमें डालूंगी एक मैगी मसाला गरम मसाला और धनिया पाउडर नमक और लास्ट में बिल्कुल जब ये मसाला तैयार हो जाएगा फिर मैं डालूंगी आलू और इसके बाद ये मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है आप एक बार ट्राई ज़रूर करना तो फ्रेंड्स आज हमारा ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे और लंच में आज हमारे घर कोई आने वाला है तो लंच आज देखते हैं कि क्या बनाएं या फिर आज हम बाहर से ही ऑर्डर करते हैं तो फिलहाल आज हम ब्रेकफास्ट में आज ये बना रहे हैं तो आप एक मैगी मसाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना मैगी मसाले के टेस्ट नहीं आता आप एक मैगी मसाले का पाउच ज़रूर डालना तो बस फ्रेंड्स हमारा तैयार है मसाला आलू के पराठे का अब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ थोड़ा इसको ठंडा हो जाने दो फिर पराठे बनती हैं इसके A few moments later गरम कर लाऊं क्या राजा है तू अपनी माँ का राजा आ रहा है दादा ले दादा ले का है दादा ले आया अच्छा अम्मी कौन सी होगी सारी काट एक ही में नहीं हाँ आज हमने आपके बारे भी देख ली ठीक है देख ली तो ना ना बेटे बच्चे ने ले लिया रात ये किराएदार ने लिए ये करुणा ने और सौरभ ने लिए ये मम्मी ने लिए ये पापा ने लिए ये किराएदार रह गई मारे वो लाना दे देंगे किराएदार ना तुम ही आना रखा ना तो सही है देखो आगे हर्षित का भी जीना लगता हाँ हाँ तू भी तैयार हो गया ये बुआ को छोड़ के आएगा जैसे पिछली बार छोड़ के कितने नीचे गए गौरव और तेल डाल ना अच्छा ये हाँ इसमें तेल डाल दिया अरे फिर पीपा नहीं खोलना पड़ेगा ना नमक चाट ले दिशु रियांश का भी ले जाइयो
5 बज गई, अम्मी ने बिठाऊं। ये रहा दिशु, मम्मी को भी दे दे। चलो मम्मी के नमक, नमक मेरा के सो गई, कोई ना अगली बार मिल गए। बाय बाय बाय। वो नीचे गया ना आज? और तेरे तो पहले गाड़ी में बैठा है। बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम, और शाम को बस मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज डिनर में हमारे बन रहा है भरमा बैंगन। भरमा बैंगन के लिए हमें चाहिए छोटे छोटे बैंगन, और उसको उबाल दिया है, मतलब हल्का उबाला है, पूरी अच्छी तरीके से नहीं पकाया हमने। तो अब मसाले के लिए हमें प्याज चाहिए और टमाटर, मतलब अच्छी ज़्यादा प्याज चाहिए, कम से कम 5-6 प्याज चाहिए, टमाटर, और इसका अच्छा सा मसाला, टेस्टी सा मसाला बनाकर बैंगन में हम चीरा लगा कर उसमें भर देंगे, और फिर दोबारा से 1-2 भाप में हमारे बैंगन भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बच्चे तो खाते नहीं है बैंगन, तो इनके लिए कुछ और बनाऊंगी। तो इतने अब रियांश की ट्यूशन टीचर भी आने वाली है, और आज रियांश ने होमवर्क भी नहीं किया, तो फिर जल्दी से अब रियांश को होमवर्क भी कराना है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से फटाफट सब्जी बना ली जाए, सब्जी बनाने के बाद बस रियांश को होमवर्क भी करा दूँगी। तो फ्रेंड्स ये हम चॉपर लेके आ रखे, इससे मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि प्याज काटने में तो ये लगा लो पूरी हालत हो जाती है, इतना ज़्यादा आँखों से पानी आ जाता है। तो चॉपर ने मेरा बिल्कुल काम आसान कर दिया। सुबह बच्चों के लिए जब टिफ़िन बनाती हूँ उसके लिए भी काम आसान हो गया है, शाम को डिनर हुआ, लंच हुआ, कुछ भी। तो पहले तो मतलब मुझे चॉपिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बट अब तो 10-15 मिनट का काम मेरा चुटकियों में हो जाता है। तो फ्रेंड्स जिसके घर ये नहीं है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और इस ये काम तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से भी हो जाता है। तो बार बार रियांश आ रहा है पूछने के लिए कि मम्मा अब क्या होमवर्क करना है क्या नहीं करना, लेकिन इसको तो सबसे पहले सफाई की लगी हुई है कि पहले सबसे पहले सफाई की जाए, क्योंकि रियांश के अंदर ये एक तो अच्छी आदत भी है बुरी आदत भी है कि पढ़ाई छोड़कर अपने तो सफाई में लग जाता है, और सफाई तो मतलब जहाँ पर भी थोड़ा बहुत गंदा दिखा, रियांश को सफाई की आदत है बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब तो बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ने के बाद रियांश गया है कॉपी लेने के लिए। अब साथ साथ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और छोक बनाते बनाते अब मैं बस रियांश को भी पढ़ा दूँगी। फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 10:30, और एक गौरव हमारा बोरिया बिस्तरा बांध के हमें छोड़ के आ रहा है बस। और यहाँ बन रही है इतनी रात को चाय। बाय बाय सौरभ। तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ गए हैं घर से भी। लॉक कहाँ से खुल रहा है, यहाँ से भी लॉक। तो फ्रेंड्स चल रही हूँ अब तीसरे रास्ते से, चलो गाड़ी में जाके मिलते हैं। आपके हाथ में हमारी वोटिंग लाइन्स खुल चुकी है, तो अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर को जिताने के लिए उन्हें
टर्न मिला। प्रोग्राम कैंसिल। बाय बाय। साथ जब में जात में जाना है पापा के, पापा के साथ जाना है। नमस्ते, मैं नमस्ते, मारी गंजू सोन लग रही है। ले 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 कुछ करते दो। हाय मां, नमस्ते मेरे लड़के। नीरज गुल्ले खा लेता है, तो पवन नाइट वार उड़े थे मंगाए थे राजू, राजू हलवाई के ये रसगुल्ला तो खान दो, बाद में बोलना देख ले। रसगुल्ले तो खा ले, पर हाँ। दे देगा ना, जब मारी तो सब छोटी है दिया होगा ना, ना बस हो गया ले सब के चार खा लिया। अरे बहुत हो गया, दो तीन ही खाती हूँ। फ्रूट भी ले जाया करेगा ना, गड़े गड़े और फ्रूट भी, मिठाई भी, सूट भी, मान भी। एक और खा रहा था ये। ये इसको वापस रखने को और है। जब हैंड वॉश करके आ। रखे हैं कोई सब पाल में दिया, पता नहीं कि जो रख दियो नेचर। ये तो फायदा हो गया। राखी पे क्यों इतने दिन गिफ्ट मिल गया, तो इतनी माला रखता का और हो जाता। तो फ्रेंड्स रात के हो गए हैं 12:30 और बस अब सोने की तैयारी। पापा तो पहले ही सो गए थे, अम्मी भी सोने लग रही है बस, और मम्मी कर रही है मालिश, और यहाँ रियांश भी सो गया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ इतनी रात को, वो आपको कल के ब्लॉग में पता लग जाएगा। और अब काफ़ी रात हो गई है और कल जल्दी भी उठना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।